हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नासर और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैंने आपके लिए ज़बरदस्त पांच मोबाइल रखे हैं, बिल्कुल नए नए मार्केट में आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ। और ज़्यादातर हैंडसेट में एमआई के हैं, एमआई के मुझे बहुत पसंद आते हैं मोबाइल, और मैं उसमें गेमिंग भी करता हूँ तो बहुत अच्छे मुझे उसके रिजल्ट आते हैं। तो फर्स्ट मोबाइल है Realme X2, ठीक है, और सेकंड मोबाइल है Realme 3 Pro, और थर्ड मोबाइल है Redmi Note 8 Pro। इसको मैं फर्स्ट नंबर पर रखूँगा क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आता है मोबाइल, तो आप इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा मेन। और फोर्थ नंबर पे MI A3 जो कि शाओमी की तरफ से है, और पांच नंबर पे है पोको या फन। इसकी तरफ ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि इसका प्रोसेसर कुछ ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि इसका Oreo 8.1 है। और अगर इसको छोड़ दिए तो बाकी सब के Android Pie 9 है, तो बस इसके पोको या फन का ही थोड़ा प्रोसेसर इसका कम है, बाकी तो सब सब अच्छा है एंड्रॉयड वर्जन। और बाकी के पूरे Pie 9 है, तो बहुत ही अच्छे मोबाइल है। तो चलिए हम एक एक के अभी इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। तो सभी की बैटरी 4000 mAh के ऊपर ही है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बैटरी है Redmi Note 8 Pro की, तो आप उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आप मोबाइल ले सकते, बहुत ही अच्छा है ये, इसमें गेमिंग होगा बिल्कुल। और इसमें कोई 6 GB RAM है, 128 GB इंटरनल है, तो कोई देखने की बात ही नहीं है। आप इस और इसका आप बस बाकी तो आपको देखने का कुछ ज़्यादा काम नहीं, इसका वो देख लीजिए। Android Pie 9 है तो चलेगा मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, तो देख सकते हैं। और इसकी बैटरी भी अच्छी अच्छी है, 4000 mAh की इसकी बैटरी है। और बाकी तो आपकी इच्छा पे, मोबाइल तो बहुत अच्छा है वैसे तो। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल जाके देख सकते हैं, आपको जहाँ पे आप अमेजोन पे देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं, आपको जहाँ पर देखना है आप देख सकते हैं। और लेकिन एक बात इसमें अच्छी है कि दोनों भी इसकी जो सिम स्लॉट है वो दोनों भी VoLTE है, तो बहुत ही अच्छे है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आजकल तो ज़्यादातर मोबाइल में आते ही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट मोबाइल में, नेक्स्ट मोबाइल की तरफ। और सेकंड मोबाइल है हमारा Realme 3 Pro, तो ये भी काफ़ी अच्छा मोबाइल है, लुक भी इसका काफ़ी अच्छा दिया है। और आजकल तो और सभी इसमें 3.0 का फास्ट चार्जर इसमें आता ही है, तो कोई जो अभी तो कॉमन हो गया अभी, क्योंकि बहुत ही वास्ट हो रहा है हमारे जनरेशन मोबाइल के बारे में, बहुत ही स्पीडअप हो रहा है। अभी तो 5G भी आने वाला है, तो इसमें तो फास्ट चार्जर है ये, ठीक है। और ये जितने भी मोबाइल है और सब के 6 GB RAM और 128 GB इसकी इंटरनल है, तो मैंने खास इसको गेमिंग के लिए चुना है, बहुत ही अच्छे है। और प्रोसेसर के साथ में है मोबाइल, ये भी सब एंड्रॉयड पाई है। और इसकी जो आप बैटरी देखेंगे 4045 mAh की इसकी बैटरी है, तो काफ़ी अच्छा मोबाइल है। और हम थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे खास मोबाइल Redmi Note 8 Pro की तरफ, ये मुझे बहुत ही पसंद है मोबाइल, बिल्कुल झकास है। और इसके स्पेसिफिक आप फीचर्स देखेंगे तो आप बिल्कुल इसके फाड़ू इसके वाले स्पेसिफिकेशन से इसके बहुत अच्छे आप देख सकते हैं। 4500 इसकी बैटरी है, तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है। और इसका प्रोसेसर भी थोड़ा मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा। और आप मोबाइल देख सकते हैं, और आजकल तो EMI के आप तो जानते हैं बहुत ही चल रहे हैं EMI के मोबाइल। बाकी अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल जाके देख सकते हैं, बाकी मोबाइल तो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं कोई भी मोबाइल के रिव्यू या आप नहीं डालता हूँ मेरे चैनल पे, जो मोबाइल लेना चाहिए वही मोबाइल में उस उनके ही मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं कोई भी मोबाइल के ऐसे नहीं बनाता, बस ले लिया दो चार मोबाइल ऐसे नहीं, तो खास होते हैं उनमें। जब मैं कोई मोबाइल का वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ही खास होता है वो मोबाइल, और काफ़ी हद तक इसलिए मुझे पसंद आता है, तभी मैं उनको उनका मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। और हमारा फोर्थ नंबर पे है MI A3 जो कि शाओमी की तरफ से, बहुत ही अच्छा मोबाइल है। इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का इसका प्रोसेसर है, और ये भी Android Pie 9 है, तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है। और कैमरे का तो आपको तो सबको पता ही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और बस ये जो Poco F1 है, इसे ये भी शाओमी की तरफ से, लेकिन इसका मुझे प्रोसेसर बहुत कम लगा, और मुझे उतना खास भी नहीं लगा मोबाइल है, क्योंकि उतने बजट में तो अपना Redmi
नोट एट प्रो आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे रेडमी नोट एट प्रो ये अच्छा लगा। इसका बस इसका क्या है ना, ये थोड़ा ज़्यादा है, इसका कैलकम प्रोसेसर जो है 845 इसका प्रोसेसर है, ये तो अच्छे बात है। तो आपके हिसाब से आपको इसमें से कौन सा मोबाइल अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपने यूज़ किया और कुछ आपको एक्सपीरियंस है इन मोबाइल के बारे में तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन मोबाइल मोबाइल के साथ में। तो मुझे तो ये मोबाइल बहुत ही अच्छा लगा, रेडमी नोट 8 प्रो। तो ये इसी तरह के वीडियो के दोस्तों मुझे फॉलो कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर कोई इसके बारे में और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपके साथ कमेंट का बिल्कुल जवाब दूंगा, 100% कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और कोई मोबाइल के ऊपर में अगर आपको कोई वीडियो अगर चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, या कोई मोबाइल में आपके कुछ प्रॉब्लम है आज तो भी आप मुझे बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। कुछ भी होगा, अगर आपका मोबाइल स्लो चलता है, हो गया 6 महीना 8 महीना हो गया तो कुछ स्लो चलता है, गेम कुछ लैग होता है, तो उसके बारे में अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय।